रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हमारी संस्कृति के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज के समय में ज्यादातर बच्चे तथा युवा पीढ़ी हमारे महाकाव्यों से अज्ञात हैं तथा उच्चतम मानक जैसे कि निस्वार्थ प्रेम, ईमानदारी व सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों से भी अनभिज्ञ हैं। अपने ग्रंथों के प्रति रुचि और जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए बाल भारती पब्लिक स्कूल नोएडा एक बार फिर आप सबके सामने लेकर आ रहा है रामायण सागर। रामायण की भक्ति कठपुतलियों संग एक संगीतमय प्रस्तुति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय श्री राम। रामायण विश्व साहित्य का सबसे पुराना महाकाव्य है और भारतीय संस्कृति के साथ साथ संस्कृत साहित्य में भी इसका विशेष स्थान है। इसका अंग्रेजी के साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं और कई यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ये कई सदियों से कई दक्षिण और दक्षिण पूर्वी देशों में विविधताओं के साथ प्रस्तुत किया गया है और उन्होंने इस महाकाव्य को अपने संगीत, नृत्य, बैले कला और वास्तुकला में अपनाया है। रामायण प्राचीन भारत का एक लोकप्रिय महाकाव्य है। रामायण का मतलब है अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की संपूर्ण जीवन गाथा। रामायण की मूल रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी। बाद में तुलसीदास जी ने इन छंदों की रचना हिंदी में रामचरितमानस के रूप में की। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की चारित्रिक गुणों और बुराई पर अच्छाई की जीत की विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। रामायण में लिखे गए मानवीय मूल्यों को पढ़कर भारतवासी इसे श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते हैं। आइए हम सब भी इसको उसी आदर की दृष्टि से अपने परिवार सहित देखें। तो आइए प्रस्तुत करते हैं पपिट द्वारा रामायण सागर। रामायण की कथा सुनाए, अयोध्या द्वारे हम हैं आए, लव कुश है हमारे नाम, जन जन को हम करें प्रणाम। सीता जी के राज दुलारे, हम ही हैं श्री राम के प्यारे, माता पिता का कर सम्मान, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री प्रभु श्री राम की जय। बोलो श्री राम की जय, बोलो सियापति राम की जय, बोलो श्री राम की जय, बोलो सियापति राम की। अयोध्या के राजा थे दशरथ और तीन थी रानी, कौशल्या से राम जन्म थे ये है अमर कहानी। सुमित्रा से जन्मे थे दोनों लक्ष्मण और शत्रुघ्न, भरत लाल जी के कैसे थे चारों दशरथ नंदन।
चारों दशरथ नंदन। और आगे की सुनो कहानी, और आगे की सुनो कहानी, पतित पवन श्री राम की। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो सियापति राम की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो सियापति राम की, जय बोलो सियापति राम की, जय बोलो सियापति राम की। वशिष्ठ मुनि दशरथ मिल आए, चारों कुंवर उन संग पठाए, संग पठाए। चारों कुंवर को संग में लेकर गुरु वशिष्ठ धाए थे, गुरुकुल के अनुपम आंगन में शिक्षा चारों पाए थे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आशीर्वादी राम श्रेष्ठ थे, गुरुचरणों में सेवा करते, हस्त शस्त्र की शिक्षा लेते, तनिक नहीं सब चाहते थे। पाकर शिक्षा चारों कुंवर अब अयोध्या को आते थे, अयोध्या को आते थे। और आगे की सुनो कहानी, और आगे की सुनो कहानी, गुरुकुल के सम्मान की। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो सियापति राम की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो सियापति राम की। विश्वामित्र अयोध्याए, दशरथ सन्मुख कथा बताए। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। असुरों का उत्पात मचा है, ऋषियों का जैसे काल सजा है। राम लखन भेजो संग मेरे, कुछ दिन वहीं लगाएं तेरे। असुरों को वह मार गिराए, ऋषि मुनि निश्चिंत हो जाए। राम लखन दोनों को लेकर दंडक वन में आए। असुर निशाचर राक्षस सभी ने अपने अपने प्राण गवाए। तभी एक आवाज थी आई, सचेत हो गए रघुराई, सचेत हो गए रघुराई, सचेत हो गए रघुराई। इस जंगल पर राज है जिसका, मैं हूं वो ताड़ का। राम लखन दोनों भाई, ताड़ का यम लोक पठाई। राम
राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम बोल सिया पत राम चंद्र की जय। एक दिन दूत संदेशा लेकर आश्रम में आया था, है उत्सव मिथिला पुरी में स्वयंवर है सीता का, स्वयंवर है सीता का। और आगे की सुनो कहानी, और आगे की सुनो कहानी, दशरथ के पुत्र राम की। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो सियापति राम की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो सियापति राम की। राम चले लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम। कैसी है ये शिला गोसाई, कहे गुरु सब कथा कहाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम। गौतम नारी का शापवश ऐसा हुआ ये हाल, श्री राम चरण कमल रज चाहती, कृपा करो भगवान। दरबार में बैठे थे सब वीर, संग सीता का चाहते हुए जात अधीर। जनक राज ने लिया है प्रण, यहां उपस्थित सुनो सब जन, तोड़े शिव धनुष जो कोई, वही वीर सीतापति होई। एक एक करके सभी वीर बड़े धनुष की ओर, कहते जाते हम देखते कैसे न खिंचती डोर। ये तो मुझसे उठता ही नहीं, महाराज आप कोशिश करें। अरे ये तो मुझसे उठ नहीं रहा है।
आप कोशिश करें। धनुष को तोड़ सके ऐसा नहीं एक वीर, क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं है शूरवीर? राज अभिषेक की बेला है आई, तुम्हें मैं दे दूं ये सम्मान, अयोध्या की बड़े कीर्ति और मान। अब राजा श्री राम हमारे हैं सबके वो पालनहारे, अब राजा श्री राजा श्री राम हमारे हैं सबके वो पालनहारे, राजा श्री राम हमारे हैं सबके वो पालनहारे। अयोध्या नगर में हुआ उद्घोष, हमारे राजा राम बनेंगे। अरे राजा राम बनेंगे, हमारे राजा राम बनेंगे। अरे भैया, जो मैं कहूँ वो करती जा तू, नादानी छोड़ अब होश में आ तू। राज्य अभिषेक भरत का होगा, वन में राम को जाना होगा। समय बड़ा है अब बलवान, राजा जी से दो वरमा। और आगे की सुनो कहानी, और आगे की सुनो कहानी, सीता के श्री राम की। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो सियापति राम, जय बोलो सियापति राम की। पौत्र रूप धर कर कैकेयी ने कोप भवन में जाकर मन में ये विचार किया, राजा दशरथ को
कर दो राज तिलक, राम को वन में भेजो नाथ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दशरथ ने भरे मन से राम को आज्ञा दी। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री राम माता सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वन में चले जाते हैं। राम सिया राम जय जय राम, की सीमा पर पहुंचे। केवट से बोले रघुराई, हाथ जोड़ निवेदन कीना, लाओ नाव उतारो मेरे भाई, लाओ नाव उतारो मेरे भाई। श्री राम की बात सुनकर केवट बोले, मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम कैसे बिठाऊं, तोहे नाव में ओ राम जी कैसे बिठाऊं, तोहे नाव में ओ राम जी कैसे बिठाऊं, तोहे नाव में ओ राम जी कैसे बिठाऊं, तोहे नाव में। शीश नवा कर पाँव पखारूं, नाथ तोहे पार उतारूं, राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। भक्त की हट के आगे भगवान राम को झुकना पड़ा। गंगा पार करने के बाद श्री राम सीता और लक्ष्मण पंचवटी पहुंच गए। और आगे की सुनो कहानी, भक्तों के भगवान की जय बोलो श्री राम की, जय बोलो सियापति राम की। प्रतिज्ञा भरत ने मन में, माताओं संग पहुंचे वन में, भरत चले प्रभु दर्शन पाने, चित्रकूट में राम मनाने। देना है दुख
सद समाचार पिता श्री गए स्वर्ग सिधा अयोध्या राज संभालो करो सबका उद्धार तुम बिन अयोध्या अनाथ है भैया तुम हो पालन श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम सूर्पनखा रावण की बहना राक्षसी सुंदरी रूप धर लीना लखन क्रोध में आए काटी नाग दिए लंक पठाए लंके 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 मैं लंके नाक ले सूर्पनखा रावण सन्मुख आई बीच सभा में चीख के बोली रावण सुन मेरे भाई दुहाई है महाराज दुहाई है लंकेश्वर महाराज दुहाई है दो युवक चित्रकूट है आए संग नारी साथ मिलाए नारी वो अप्सरा समान मेरा भाई लंकेश महान अगर तुम्हें हो कीर्ति बढ़ानी बनाओ उसे लंका की रानी रावण सूर्पनखा की कटी नाक का बदला लेने के लिए सीता हरण की युक्ति सोच बैठता है और इसके लिए अपने मामा मारीच की सहायता से सीता हरण की योजना बनाता है मारीच सोने का हिरण बनकर पंचवटी पहुंच जाता है देखा ना सुना जैसा ये सुघर सलोना है सर से देखो पाँव तक सारा ही सोना सोना है हे नाथ ले आओ इसको ये कुटिया की शोभा होगा वनवास काल के बीते दिनों की अद्भुत यादगार होगा ¶¶
सीता के निवेदन को सुन भगवान राम मृग के पीछे पीछे चले जाते हैं। मौका पाकर दुष्ट रावण कुटिया के बाहर मुनि वेश धरकर आता है। भिक्षाम देही भिक्षाम देही सीता जैसे ही भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा को पार करती है, रावण सीता का हरण कर लेता है। सीता को बचाने आए जटायु, हे रावण अपने काल को ललकार रहा तू। तीरों की वर्षा कर दी नहीं, मार खड़क घायल कर दी नहीं, त्याग दिए जटायु ने प्राण लेकर श्री राम का नाम, लेकर श्री राम का नाम, लेकर श्री राम का नाम, राम राम राम। और आगे की सुनो कहानी, और आगे की सुनो कहानी, लखन सियापति राम की। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो सियापति राम की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो सियापति राम की। शो
शबरी को जब मिले रघुराई, नैन भरे मोती छलकाई। रही देखत प्रभु बाट तिहारी, आओ पधारो मेरे प्रभु जी। व्याकुल राम सब कथा बताई, सीता हरण की व्यथा सुनाई। व्यथित भाव में शबरी ने सुग्रीव मिलन की राह सुझाई। ऋषिमुख पर्वत रहते हैं सुग्रीव वीर बलवान, आप प्रभु वहाँ जाइए, देती भक्तन ज्ञान, देती भक्तन ज्ञान, देती भक्तन ज्ञान। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहि लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ ब्रज और ध्वजा विराज, कांधे मोज जनेऊ साज। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। राम ऋषि मुख पर्वत आए, हनुमंत साधु रूप सजाए। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्रि रूप धर फिरहूं वनवीरा। हम हैं राजा दशरथ नंदन, मात पिता को करके वंदन। आज्ञा पा वनवास को आए। राम लला सब कथा बताए, राम लला सब कथा बताए। राम लखन हम हैं दो भाई, संग सीता सुकुमारी आई। हर ली रावण ने वैदेही, ढूंढत जाएं हम वन में ही। राम प्रभु को पहचाना, तब चरण पड़े हनुमान। मुख से कुछ ना बोलते, देखत रहते राम। राम राम श्री राम राम, राम राम श्री राम राम, राम श्री राम राम, राम राम श्री राम। हे प्रभु, आप मेरे साथ चलकर महाराज सुग्रीव जी से मिले। उनकी सेना का साथ पाकर हम माता सीता तक अवश्य पहुंच जाएंगे। और आगे की सुनो कहानी, और आगे की सुनो कहानी, पवन पुत्र हनुमान की। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो सियापति राम की, जय बोलो सियापति राम की। ऋषिमुख पर्वत चले गुसाई, सुग्रीव मिले ही सब कथा बताई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आश्वासन दिया सुग्रीव हनुमंता, उर लगाए रघुबाई हनुमंता। आज्ञा दें श्री राम प्रभु, आज्ञा दें। लंका पर हम करें चढ़ाई, माँ सीता का पता लगाई। राम दूत मैं बनकर जाऊं,
रावण को संदेश दे आऊं। मां सीता को हरकर उसने काल को अपने पास बुलाया। आज्ञा दे श्री राम प्रभु, आज्ञा दे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 राम के दूत चले हनुमान, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, माँ सीता का कर सम्मान, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम का लगा के ध्यान, जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 राम श्री राम, राम श्री राम, जाति में ऐसा कौन सा वीर है जो श्री राम प्रभु का भक्त है और लंका में रहने का साहस रखता है। मैं राम भक्त विभीषण हूं प्रभु। अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं श्री राम। उनकी भक्ति प्रत्येक के लिए सुलभ है। जय श्री राम। आप कौन हैं? कृपया अपने आने का उद्देश्य बताएं। मैं पवन पुत्र हनुमान माता सीता को श्री राम का संदेश देने आया हूं। तो कृपया आप अशोक वाटिका जाएं। रावण ने माँ सीता को वहीं रखा है। जय श्री राम। राम जय राम जय राम। अशोक वाटिका पहुंच गए राम दूत हनुमान। वैदेही को देख कर किया उन्हें प्रणाम। अशोक वाटिका पहुंच गए राम दूत हनुमान। वैदेही को देख कर किया उन्हें प्रणाम। मैं हूँ राम दूत, माँ कुशल पूछने आया हूँ। रघुराई की चितवन का सब हाल बताने आया हूँ। मुद्रिका देकर बोले पवन पुत्र हनुमान, आपका हरण कर रावण ने किया मृत्यु आवाहन। चिंता में है रघुराई, कैसी है ये विपदाई, आँख में आंसू रहते हर पल, राम सिया दोनों हैं व्याकुल, राम सिया दोनों हैं व्याकुल, राम सिया दोनों हैं व्याकुल।
का देखो बिगुल बजा। इंद्र जीत लिए सेना चला, सद विद्या का ज्ञानी था वो, रावण पुत्र अभिमानी था वो, छल से लखन पे तीर चलाया, मूर्छित उनकर मन हर्षाया, मूर्छित कर उन्हें मन हर्षाया। वानर सेना में बड़ी अब चिंता, सुषेण वैद्य से बोले जामवंता, करो कोई ऐसा उपचार, नहीं मान सकते हम हार। संजीवनी का उपाय सुझाया, हनुमंत को फिर पता बताया। शीघ्र ही जाऊं संजीवनी लेने, भैया लखन के प्राण बचाऊं, तनिक देर भी हुई जो मुझसे, प्रभु आपको मुख न दिखाऊं। आज्ञा पा श्री राम की, शीघ्र उड़े हनुमान, ले आए संजीवनी बूटी और बचाए प्राण। संजीवनी बूटी हनुमत ले आए, लखन लला के प्राण बचाए। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। संजीवनी लाए हनुमान, पवन पुत्र है बड़े महान, पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप, हृदय बसहु सुर भूप, हृदय बसहु सुर भूप। बोल सियापत राम चंद्र की। हलचल नाभि पर जब राम ने रावण को तीर मारा, दशकंधर पर लोक सिधारा, दशकंधर
पर सबने किया प्रणाम। अयोध्या में हर्ष बढ़ा, दीपावली का पर्व मना। सारी प्रजा ने घर घर दीप जलाए, घूमे नाचे और खुशी मनाए। सारी प्रजा ने घर घर दीप जलाए, घूमे नाचे और खुशी मनाए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक मुनि वशिष्ठ जी ने तीनों माताओं और सारे परिवार की उपस्थिति में किया। सारी प्रजा हर्ष उल्लास से जय जयकार करने लगी और राम राज्य आरंभ हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल सियापति रामचंद्र की, बोल पवन पुत्र हनुमान की। रामायण है पुण्य कथा, लखन सियापति राम की। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो सियापति राम की, जय बोलो श्री राम की। सविस्तार सब कथा सुनाए, राजा राम है रघुराय। कथा थी श्री राम की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो सियापति राम की, जय बोलो श्री राम की। कथा है ये श्री राम की, पुरुषोत्तम भगवान की। कथा है ये श्री राम की, पुरुषोत्तम भगवान की। जो मर्यादा मन में पाले, वस्त्र के रुए तन पर डाले। जनक नंदिनी के संगी, सेवक जिनके बजरंगी। जनक नंदिनी के संगी, सेवक जिनके बजरंगी। जो वनवासी विजय नाम है वो राम।